इसमें धागा और धागा चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, धागा सिंदूर सब चढ़ाया जाता है। हटाने के लिए इसे पूजा करने का हमारा पद ना है, इसे विपद हटाने के लिए है, कुछ विपद नहीं होगा। माइल बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में हूँ, जहाँ पे माँ विपतारिणी की पूजा आज की जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि प्राचीन दुर्गा मंदिर माइल बाजार में उपस्थित हुई हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, और माँ विपतारिणी की यहाँ पे पूजा की जा रही है। आइए जानते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं की काफी भीड़ है, और महिलाएं हाथ में सिंदूर लिए और प्रसाद की थाल लिए मंदिर पहुंचे हुए हैं, पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे भीड़ बहुत सारी है, क्या पूजा हो रहा है? हम आप पता ही नहीं पूजा कर रहे हैं, सब औरत अपना मनोकामना लेके आए हैं, घर में सुख शांति बने रहे। और इस पूजा में, इस पूजा में तेरह मतलब किस्म का फल और सब चढ़ता है। माँ में पदार्थ की पूजा किस लिए की जाती है? घर में सुख शांति बना रखते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि आप लोग सिंदूर भी खेला करते हैं। हाँ, इसमें सिंदूर आती मतलब खास कर सिंदूर और आप कहाँ से? मिस बोल्ड लीजिए ना, थोड़ा तेज बोलिएगा। कहाँ से हैं आप? आज यहाँ पे आप लोग पूजा में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो किस तिथि में पूजा की जाती है और कब की जाती है? हर महीने में पूजा होती है इसकी, और ये माँ विपतारिणी की पूजा होती है। सब घर परिवार पति पति की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए ये पूजा की जाती है। और क्या क्या यहाँ पे माँ को चढ़ाया जाता है? यहाँ पे माँ विपतारिणी की पूजा बहुत धूमधाम से होते हैं, हमारे चित्तरपुर ग्राम में बहुत धूमधाम से पूजा होती है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रसाद भी माँ को चढ़ाते हैं, सिंदूर खेला खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माँ से अपने घर में सुख शांति की कामना करते हैं, अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये पूजा की जाती है। और हम लोग तरह का फल यहाँ पे चढ़ाया जाता है, तेरह तरह के फल चढ़ाया जाता है, तेरह किस्म के फल, तेरह किस्म के फूल, तेरह किस्म के फल, तेरह किस्म का मीठा, तेरह किस्म का मीठा सब कुछ चढ़ता है। इसमें धागा और धागा चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, धागा सिंदूर सब चढ़ाया जाता है। बोलिए, आज के दिन मंगलवार प्राचीन से लेकर श्री श्री माँ विपतारिणी पूजा व्रत तथा होते हुए उत्साह मनाया जाता है। इसलिए हर घर में प्रचार किया गया है कि माँ विपतारिणी पूजा जो कोई भी करता है आपद विपद में, उनका माँ दुर्गा और विपतारिणी पूजा करने से सबको सुख शांति संपन्न रहता है, बाधा विधि भी नहीं आता है। और पूजा बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन काल से करते हुए आ रहा माता बहन ने आज से करीब साल में एक बार मंगलवार या शनिचर को ही किया जाता है माँ विपतारिणी का व्रत पूजा। इधर आइए ना, जरा सिंदूर वाला लेंगे एक। आज माता दुर्गा का विपतारिणी पूजा हम लोग किए, इसमें सुख समृद्धि घर परिवार को सुख समृद्धि शांति के लिए ये पूजा हम लोग करते हैं, पति की जुदाई को करते हुए हम लोग पूजा करते हैं।